Again, welcome again to our second session, second lecture on IPv6. So I will be starting from the same slide where I stopped last time. So aapke paas jo hum gaye the to humne jo hamara overview topic tha usko khatam kiya tha aur fir maine aapko ye wali slide dikhayi jiske andar IPv4 aur IPv6 ke comparison. So comparison aapko yaad hoga ki iske andar mein 4 अरब ke aas pass IP address aur isme zillions of बहुत ज्यादा नंबर ऑफ IPv6 एड्रेसेस है. तो अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, राइट. सो नंबर तो आप देख रहे हो इसके अंदर की IPv4 के 32 बिट है और IPv6 का 128 बिट है और काफी ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस पर या फिर कहना चाहिए कि इक्विपमेंट का आपको बता था कि हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि इसका IPv6 हेडर और IPv4 हेडर कैसा है, क्या है. तो ये ओवरव्यू है, ये भी एक तरह से ओवरव्यू. तो ये हमने इस तरफ में आपको OSI मॉडल जो है वो है 32 बिट और जैसे कि आप जानते हैं IPv6 128 बिट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ IPv6. तो ये महत्वपूर्ण चेंजेस हैं जो कि हुए. ऑप्टिमाइजेशन, मोर एफिशिएंट राउटिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस मोर सिंपलर, आर्किटेक्चर इज मोर क्लियर एंड फ्लेक्सिबल देन IPv4. ये भी इसका एक बेनिफिट है. जनरली देयर इज नो qualitative change in basic idea and technology architecture between IPv4 and IPv6. So IPv6 network planning method is basically the same with IPv4. So IPv4 is the same planning process that we have been planning this video. In the IPv6 deployment, the bigger problem is how to transfer from IPv4 to IPv6, which is the most concern for the customer. The customer is the only thing to IPv4 or IPv6. किस तरह से IPv6 से IPv4 से IPv6 की तरह जाए. तो ये overview type का layer 2 के ऊपर. अब हम और जाते हैं इसके आगे तो detail के अंदर, right? तो ये है IPv4 और IPv6 के अंदर. IPv4 के अंदर भी क्या है, version, IHL, type of service, total length, identification, flag, fragmentation offset, time to leap, protocol, header checksum, option, padding, source address, destination code. जो yellow वाली field है kept from IPv4 to IPv6. जो red वाली field है not kept in IPv6. And जो blue वाली है name and position change in IPv6. New field है IPv6. तो ये डिफरेंस है, कुछ एडेड है, कुछ रिमूव्ड है और कुछ फिर पोजीशन चेंज करी है. IPv6 में क्या है, वर्जन जैसे कि वैसा आ गया, ट्रैफिक क्लास ऑलमोस्ट जैसे कि वैसे आ गए, ठीक. ये नई फील्ड ऐड हुई है लो लेवल, देन पेलोड लेंथ. पेलोड की लेंथ क्या होगी, वो नेक्स्ट हेडर और होप लिमिट. टाइम टू लीव इज इक्वल टू होप लिमिट, ठीक. और पेलोड लेंथ ये रहा आपका टोटल लेंथ और प्रोटोकॉल हो गया नेक्स्ट, ठीक. ये सब समझ में आ गया होगा. और
ये जो दोनों नाम है ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा। नाउ इसके आगे हम देखते हैं इन मोर डिटेल। तो वर्जन फिर भी क्या है, वर्जन ऑफ आईपी आईपी प्रोटोकॉल 4 एंड आईपी प्रोटोकॉल 6 आर वैलिड। दी डायग्राम रिप्रेजेंट वर्जन 6 स्ट्रक्चर ओनली। ये वन एग्जाम देख रहे हैं आईपी देख रहे हैं ना। तो वर्जन का क्या काम है, वर्जन फील्ड इंडिकेट वर्जन ऑफ आईपी एंड इज एक्टिव। तो इससे मैंने क्या रहेगा, वर्जन जो रहेगा दिखा रहेगा, इससे पता चल जाएगा डिवाइस टू की IPv6 का आपका पैकेट है। ठीक है, द साइज ऑफ द फील्ड इज 4 बिट, 4 बिट का है, 1 2 3 4 बिट। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ द वर्जन फील्ड इज डिफाइंड इन सेम वे फॉर बोथ IPv4 एंड IPv6। इट्स वैल्यू इज नॉट यूज टू पास द पैकेट टू एन IPv4 और IPv6 प्रोटोकॉल। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रैफिक क्लास। ट्रैफिक क्लास क्या है, POS जो होता है इसके अंदर में IPv4 पर ये क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए काम आता है। दिस ट्रैफिक क्लास फील्ड इंडिकेट द IPv6 पैकेट क्लास और प्रायोरिटी। द साइज ऑफ द फील्ड इज 8 बिट्स की 8 बिट की साइज 4 और 4। नेक्स्ट इज फ्लो लेवल, जो कि नई एंट्री है इसके अंदर। फ्लो लेवल बेसिकली आपको फ्लो अगर याद हो, अगर आपने राउटर और फायरवॉल पे काम किया हो, फायरवॉल के अंदर बनते हैं फ्लो। फ्लो मतलब पोर्ट नंबर और TCP या UDP का समीकरण से कॉम्बिनेशन को लेकर एक फ्लो बन जाता है। मतलब एंड टू एंड जब ट्रैफिक आपसे जा रहा है तो फायरवॉल से करता है एक फ्लो बना रहा है। फायरवॉल की फीचर थी। ठीक है, होता है कि जब भी आप कोई ट्रैफिक आएगा एक फायरवॉल तो दूसरे के बीच में लगा हुआ और दोनों तरफ में हमारे राउटर और स्विचेज हैं। ठीक है, तो या फिर नेटवर्क है दोनों साइड के अंदर। तो क्या होता था कि फायरवॉल एक बार में अपना फ्लो बना लेगा और फ्लो बनाने के बाद आपका जो ट्रैफिक है वो सारा का सारा ऐसे ही जाएगा जैसे एक बार चला गया। तो एक बार फ्लो बन गया, और आईपी भी ऐसे ही करता है। आपने पढ़ा होगा कि फ्लो बेस्ड या फिर पैकेट बेस्ड दो मैकेनिज्म होते हैं आईपी को फॉरवर्ड करने का। तो जो फ्लो बेस्ड एनेबल कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक बार अगर आपको सिनेरियो बन गया, एक बार आपने एक फ्लो बना लिया आपकी डिवाइस में, तो आपको उसके बाद में उस डिवाइस को उस फ्लो को चेंज करने की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर क्या होगा कि इसने एक फ्लो बना लेना। ये फ्लो जब बना लेगा तो क्या होगा कि उस फ्लो को देख के वो जिससे कि उसका सेशन डिस्टर्ब नहीं हो जाता, क्योंकि उसी फ्लो पर वो उसको आर पार कर देगा, कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर देगा। तो ये फ्लो वाली चीज़ सभ्यता थी, ये फायरवॉल के पास थी। अब इन्होंने क्या किया कि इसी चीज़ को आपके
चीज को ध्यान रखे कि IPv6 के अंदर में इंक्लूसिव कर दिया। तो इसके साथ में इसकी कई सारी RFCs आई हैं, हालांकि ये इतना यूज में नहीं है लेकिन सोच अच्छी है। तो उससे क्या होगा कि वो उसी फ्लो को देख कर क्या है कि आपका ट्रैफिक पास कर देगा। उससे क्या होगा कि आप उसको कोई प्रायोरिटी अगर देना चाहें, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहिए, जो आप TOS के थ्रू जो देते थे या RSVP के थ्रू जो देते थे रिजर्व करते थे, जो उसकी बैंडविड्थ वगैरह या उसकी प्रायोरिटी देते, तो वो चीज़ इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो सकती है। और ये RFC पुराने RFC में इसमें बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू होती थी, फिर जब नई RFC आई उसके अंदर नॉन जीरो वैल्यू थी इंक्लूड कर सकते हो। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हुई है और काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किए हुए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा वाला केस हो गया कि अटैकर के लिए बहुत अच्छी फेवरेबल अच्छी है ये ऑप्शन हो गया। राइट, तो चल रहा है ये, लेकिन इसके ऊपर में काफ़ी काम चल रहा, बट बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटर वो दे इंसिस्ट नॉट टू प्ले विद दिस थिंग टू द ISP स्पेशल। तो जो आपकी बन के आएगी एल्गोरिथम से उसके ऊपर में काम होगा, उसको वैसे ही रहने दें जैसा आपका वेंडर ने बना के दिया हुआ है। राइट, तो ये एक नई फील्ड है और इसका इस्तेमाल होता भी है और लेकिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो दैट इज योर फ्लो लेवल, देन इज आपका पेलोड लेवल। तो दिस पेलोड लेंथ फील्ड इंडिकेट the length of the IPv6 payload, the size of this field is 16 bits, this is the size of 16 bits ke yahan se yahan tak, aur then this is used for to tell that ki uske andar mein what is the size of your PDU packet ka size and the maximum is 65535 35 जो कि 16 बिट के अंदर में इंक्लूड हो जाता है, और यदि इससे बड़े रहेंगे या जब भी फ्रेम रहेगा तो आप उसको एक्सटेंडेड एक्सटेंशन हेडर के अंदर में चिपका के भिजवा दोगे, दैट कैन बी अंडरस्टूड इन द नेटवर्क। सो इसके अंदर में एक एक्सटेंडेड हेडर का कॉन्सेप्ट आया, विच इज लाइक एडिंग टुकुलिन आया था ऐसा है। फिर इसके अंदर में कोई भी चीज़ नई चीज़ इंक्लूड करनी है तो आप एक एक्सटेंडेड हेडर के अंदर में उसकी फीचर्स को डिफाइन कर दो और भिजवा दो। So that is another good thing about it. Next header के अंदर में the next header will indicate either the type of first extension header or the protocol in the upper layer. So upper layer के अंदर में जो कौन सा protocol use किया गया वो बताएगा ये, या फिर पहले header क्या है वो बताएगा। Hop limit जो है वो आपका TTL IPv4 का TTL, उसका नाम ने change करके hop limit कर दिया। एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस जैसे कि रहते हैं उसका चला दिए। अब उसको प्रोटोकॉल को बोलते हैं कि जैसे 40 बीट का बाइट का ये है और अपना 20 बीट का वो 20 बाइट को, फिर भी हम बोलते हैं कि ये मोर एफिशिएंट है। मोर एफिशिएंट इन द सेंस अगर देखा जाए तो सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर वहाँ 32 बीट लगे रहते हैं, यहाँ पे क्या है 128 128 128, मतलब 4 गुना 4 टाइम। तो 8 बाइट सोर्स का हो गया, उसके अंदर भी कितने बाइट थे 4 बाइट थे, तो यहाँ 16 बाइट सोर्स हो गया, 16 बाइट डेस्टिनेशन कितना हो गया 32 बाइट, तो यही हो गया फिर बच्चे कुछ कितना 8, और ये फिक्स्ड है उसके अंदर में फिक्स्ड है। ठीक है, तो 40 बाइट का होने के कारण देखा जाए तो ये छोटा भी है और लेस कॉम्प्लिकेटेड। ये सब फ्लैग फील्ड का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, फ्रेगमेंट ऑफसेट का इस्तेमाल कम होता था, चेकसम का तो होता था, लेकिन यहाँ पर उसका कोई सोल्यूशन कर पाया। ओके, तो पैडिंग का इस्तेमाल नहीं होता था छोटे बिट के लिए, मतलब जो मिनिमम रिक्वायर्ड चाहिए IP हेडर को उतना नहीं होता था, कुछ भी ऐड करने पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी फील्डें हटा दी। नेक्स्ट है ओके ओके ओके
ट्रैक भी मिसिंग है ऐसा कर दिया था लेकिन फिर मुझे जस्ट गिव मी ऑन वेबसाइट की बताऊं तो हम मैं जो स्लाइड आपको दिखाना चाहिए अपने बॉडी स्लाइड पे यहाँ पर वो हम देखते हैं थिएटर के बारे में जितनी भी देखती है ये मैं फिर आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है कंपेरिजन तो इससे ज़्यादा आपको लाल वाली भी नहीं वर्जन जो है सेम फील्ड बट विद अ डिफरेंट वर्जन यहाँ पर 6000 यहाँ पर 4000 इंटरनेट हेडर लेंथ जो है रिमूव्ड इन IPv6 डज नॉट इंक्लूड हेडर लेंथ फील्ड बिकॉज द IPv6 हेडर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड 40 बिट तो 40 बाइट का एक चीज फिक्स होता है इसका मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं इंटरनेट हेडर लेंथ टाइप ऑफ सर्विस को आपने उसके अंदर भी देखा जैसे कि उसका नाम हमने क्या रखा होता है type of next header payload length to level copy class number the IPv6 meter likha hua to replace by IPv6 stuff class to total length replace by IPv6 payload length fill region the name the size of the system total length ka naam change ho gaya aur IPv6 payload identification flag and fragment offset ye sare remove ho gaya fragmentation information is not included in IPv6 header it is contained fragment extension header the fragment karne ki gunjaish ho bhi network ke andar mein to extension header ke andar usko include kar liya time to leak replaced by IPv6 hop limit so hop limit is naam se isko introduce kiya maine then is header checksum removed the leak layer has a checksum that perform bit level error detection for the entire IP so the leak layer can be removed jo hai aapka ye wo kaam kar deta hai jo ki aapka header checksum kar raha so that is destination headers resurrection option removed in IPv6 IPv6 extension header replaced IPv4 option so ye options jo hai wo removed in IPv6 extension book number so ye thi hamari iske baad mein jo hamara next topic hai which is very important and very like isko samajh liye aapne to aap usko represent karna bhul jayenge IPv6 IPv6 address aur uske link kya hai so I believe ye session aapke liye acha raha this session and hope you will join me again on the next session which is about kaise IPv6 ko represent karna hai kaise fully na okay so usko dekhte hain theek hai mera this session will be thank you very much for joining me